पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर पिछले काफी दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि इस रेस में एक नाम जो सबसे आगे चल रहा था वो नाम था भगवंत मान का, लेकिन आधिकारिक मोहर नहीं लगने के चलते कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हाल ही में सीएम उम्मीदवार को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया था और इस नंबर पर मिले फीडबैक के आधार पर आपके सीएम फेस के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर राय ली थी। इस फीडबैक के आधार पर 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है और पहली पसंद भगवंत मान को बताया। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब भगवंत मान का नाम लिया तो जमकर ढोल बजे। भगवंत मान से लेकर उनके कई समर्थक भावुक हो गए। मान के नाम का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, आज पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को बेसब्री से इंतजार था। कई महीनों से लोग यही सवाल पूछते थे। मैंने एक ऐसा चेहरा देने की बात कही थी जिस पर हर पंजाबी को गर्व होगा। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए अलग प्रक्रिया की। दूसरी पार्टियां बेटे बहू को सीएम का चेहरा बनाती हैं, मैं भगवंत मान को चेहरा घोषित कर देता तो लोग भाई भतीजावाद का आरोप लगाते, क्योंकि मान मेरे भाई जैसे हैं। हमने SMS मंगाए, कुल 21,59,000 लोगों ने मैसेज किए, कई ने मेरा नाम डाल दिया। उनको हटाकर 93% से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया। आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। मई 2014 में भगवंत मान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2019 में दूसरी बार फिर से संगरूर लोकसभा सीट से सांसद बने। भगवंत मान के घर का नाम जुगनू है, वो फेमस पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। भगवंत मान की शादी इंद्रदेव कौर से हुई थी, हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के दो बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में मान ने खुद बताया था कि वो राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इसलिए उनकी पत्नी और वो सहमति से अलग हो गए। भगवंत मान ने अपने सियासी करियर की शुरुआत पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। वो 2012 में लेहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट।